फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 30 डेज फुल न्यूट्रिशन कोर्स स्टार्ट करने वाली हो, तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ 30 डेज फुल न्यूट्रिशन कोर्स। तो पहले जो है थ्योरी मैं दूंगी, फिर प्रैक्टिकल। इस तरीके से जो है 30 डेज में मैं आप लोगों को पूरा कोर्स कम्प्लीट कर दूंगी। हर एक टॉपिक का थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही होगा साथ ही साथ, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ब्यूटिशियंस कोर्स स्टार्टिंग करते हैं थ्रेडिंग से। तो थ्रेडिंग है सबसे पहला क्लास, और क्लास वन में थ्रेडिंग आज हम लोग सीखेंगे। और थ्रेडिंग में आज आपको मैं थ्योरी दूंगी, और थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों मैच करके आप लोग जो है सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग एक टेम्पररी हेयर रिमूवल टेक्निक है। ये एक चाइनीज टेक्निक है, और अन्य टेक्निक भी से जैसे कि बीट क्रीम का उपयोग करके सेव करना। ये दुर्घटना विधि है जो चीन से शुरू हुई है। चीनी और भारतीय अच्छे ट्रेडर्स माने जाते हैं। थ्रेडिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये है थ्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेडिंग के प्रकार। थ्रेडिंग दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट टेक्निक एंड टेम्पररी टेक्निक। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है? नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेडिंग कहाँ कहाँ होता है? आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप, साइड ब्लॉक्स एंड चिन एरिया। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईब्रोज। देखिए, नंबर वन देखिए, राउंड शेप, इस तरीके से आईब्रो होता है। नंबर टू है फ्लैट शेप, या फिर स्ट्रेट शेप भी कह सकते हैं। नंबर थ्री है आर शेप, इस तरीके से होता है। तो ये थ्री जो है, राउंड शेप, फ्लैट शेप एंड आर शेप, ये है आईब्रो का शेप। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को आईब्रो जब देखेंगे किसी क्लाइंट का, तो आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सा आईब्रो है क्लाइंट के। नेक्स्ट है नंबर फोर, एंगुलर शेप। देखिए, एंगुलर और आर्च थोड़ा सिमिलर है, लेकिन तो एंगुलर थोड़ा इस टाइप का होता है। नंबर फाइव है एस शेप। देखिए, एस शेप एस जैसा ही होता है, तो ये है एस शेप। थ्रेडिंग में यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग जो टूल्स है उसके बारे में, और आप कह सकते हो ट्रॉली सेटिंग भी कह सकते हैं। तो क्या क्या टूल्स चाहिए? नंबर वन कॉटन थ्रेड, 40 नंबर कॉटन थ्रेड चाहिए। और टू टाइप्स होता है कॉटन थ्रेड, जो है एक वाइट कलर का, एक ग्रीन कलर का थ्रेड होता है। तो थ्रेडिंग के लिए थ्रेड तो चाहिए। तो नंबर वन है कॉटन थ्रेड। नंबर टू है टैल्कम पाउडर, जो लूज़ पाउडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉन्ड्स का हो गया, कोई भी लूज पाउडर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर थ्री है सीजर, कैंची। नंबर फोर है कॉटन। नंबर फाइव है हैंड मिरर। नंबर सिक्स टोनर। नंबर सेवन मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये सब चाहिए जब थ्रेडिंग करते हैं। तो आप लोग अगर थ्रेडिंग कर रहे हो, थ्रेडिंग सीख रहे हो, तो ये सब टूल्स आप लोग जो है ख़रीद लो और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट पॉइंट कीजिए आईब्रो थ्रेडिंग। आईब्रो थ्रेडिंग में क्या है? सबसे पहले क्लाइंट को पूछना चाहिए कैसा शेप चाहिए। अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल लगाया है तो उसे साफ करना है। फिर एक कॉटन बॉल में पाउडर लेना है और लगाना है। क्लाइंट को अच्छे से टाइट पकड़ना है। थ्रेडिंग आईब्रो की शेप के हिसाब से करना है। थ्रेडिंग हो जाने के बाद एलोवेरा जेल या फिर मॉइस्चराइजर लगाना है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है अपर लिप्स। लिप्स के ऊपर का भाग नाजुक है, और थ्रेडिंग सावधानी से करना पड़ता है। थ्रेडिंग करने से पहले क्लाइंट को स्किन टाइट पकड़ना है। इस जगह बहुत नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो थोड़ा सा टाइट पकड़ना होता है। नेक्स्ट है फोरहेड थ्रेडिंग। फोरहेड थ्रेडिंग करने से पहले स्किन को टाइट पकड़ना है। थ्रेडिंग अपोजिट डायरेक्शन में ही करना है। नेक्स्ट है साइड ब्लॉक थ्रेडिंग। साइड ब्लॉक थ्रेडिंग, साइड ब्लॉक्स का मतलब है गाल और कान के बीच का भाग। थ्रेडिंग करने से पहले स्किन टाइट पकड़ना है। जो साइड ब्लॉक स्किन जो थ्रेडिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट पकड़ना होता है। नेक्स्ट है चिन थ्रेडिंग। चिन का मतलब लिप्स के नीचे का भाग है। थ्रेडिंग करने से पहले लिप्स के नीचे वाले भाग में जीभ रखकर लिप्स को टाइट करना है, फिर थ्रेडिंग करना है। तो ये रह गया जो है फोरहेड आईब्रो थ्रेडिंग, फोरहेड थ्रेडिंग, साइड ब्लॉक थ्रेडिंग एंड चिन थ्रेडिंग। ये हो गया फेस का थ्रेडिंग। तो आप फेस में अगर करेंगे तो ये सब थ्रेडिंग होता है फेस में, ठीक है? फिर नेक्स्ट है देखिए किस तरीके से जो है आप आईब्रो का थ्रेडिंग करेंगे आईब्रो में। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया, तो आप लोग भी इस तरीके से बना लो। तो जो सामने वाला हिस्सा है वो रहता है 90 डिग्री में। तो देखिए, जैसे नाक से एकदम सीधा वाला हिस्सा जो है ये 90 डिग्री में होगा, फिर होगा 60 डिग्री में, और एंड जो होगा वो है 45 डिग्री में। तो ये जो हो गया पूरा डायग्राम, इस तरीके से आपको थ्रेडिंग का जो है डायग्राम बनाना है। तो ऐसा है थ्रेडिंग आप कर सकते हो। अभी देखिए प्रोसीड्यूर ऑफ थ्रेडिंग, थ्रेडिंग की प्रक्रिया।
किस तरीके से आप थ्रेडिंग करोगे क्लाइंट के ऊपर, तो आप देख लो। नंबर वन सबसे पहले क्लाइंट कंसल्टिंग करना होगा, जैसे क्लाइंट की स्किन देखना होगा कि कोई कर्स तो नहीं है, कोई स्विचिंग तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, ज़्यादा एज वाली लेडीज़ तो नहीं है, 10+ से कम एज का जो गर्ल है तो आपको क्या करना है, थ्रेडिंग नहीं करना है। ये सब होने से थ्रेडिंग ना करें, ठीक है। टू है, फिर थ्रेडिंग एरिया में ले जाना होगा और चेयर में बिठाना है और टॉवल से ड्रैपिंग करें। थ्री है, अगर क्लाइंट ने आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल किया है तो एक वेट टिश्यू से अच्छे से पोंछे और टेल्कम पाउडर एक कॉटन बॉल में ले और आईब्रो में लगाना है। नंबर 4, आईब्रो हमेशा क्लाइंट के शेप के हिसाब से करें। नंबर 5, थ्रेडिंग हो जाने के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम लगाए और क्लाइंट को फिर से आने के लिए बोले। तो ये हो गया पूरा प्रोसीजर। तो मैंने ये आप लोगों को थ्रेडिंग का नोट्स दे दिया और हिंदी में ही है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थ्रेडिंग का नोट्स, तो आई होप कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, तो कोई भी दिक्कत होने से आप लोग पूछ लेना एक बार। नेक्स्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दूंगी, तो आप लोग ये लिख लो अच्छे से। देखिए, तो ये रहा पूरा आईब्रो थ्रेडिंग के ऊपर वीडियो। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा प्रैक्टिकल, आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। और थ्योरी हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिकल देखना है, नेक्स्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग ये नोट डाउन कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि कोई भी आप लोगों को जो है घर बैठे ब्यूटिशियन कोर्स कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।